सो गाइस, आप लोग ये देख रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी घूमने के, तो चलते हैं। बोलिए कुछ। तो चल रहे हैं आज हम घूमने, तो चलिए चलते हैं, खेत का सैर कराते हैं। और खेत का जो है बहुत दिन के बाद हम चल रहे हैं खेत का सैर करने। चलिए, मेरा भांजा साथ में है जो कि वीडियो कैमरा में आया हुआ है, तो चलिए चलते हैं साथ में। और आपको जो है पूरी हरियाली, आपको जो है हम ये है गन्ना का खेत, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे में जो है ये भी है गन्ना का खेती है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल अभी यहाँ पे जो है अधिकतर जो है गन्ना का खेती किया जाता है। गेहूँ का जो है अभी सीजन नहीं, धान का सीजन अभी जो है चल रहा है। तो धान का रोपा कैसा हुआ है, रोपाने के बाद जो है कैसा लगता है, वो सब आपको हम जो है इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आगे में जो है कि धान का जो है रोपाया गया, तो कि देखिए पानी लगा हुआ है खेत में। तो यहाँ पे आपको जो है ये है धान का खेत, जो कि धान जो है रोपाया गया फिलहाल में ही, एक दो दिन के में जो है रोपाया गया था। ये है धान का खेत, और ये जो देख सकते हैं धान, ये भी धान ही है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 10 दिन से जो है पहले जो है रोपाया गया था। तो ये इस तरह से जो है धान रोपाया जाता है। पीछे में आप देख सकते हैं गन्ना का खेत है, इधर भी गन्ना का खेत है, साथ में इधर भी देख सकते हैं गन्ना का खेत है, इधर भी गन्ना का खेत है। अधिकतर जो है मेरे यहाँ लगभग गन्ना का खेत ही किया जाता है, खेती जो है यहाँ पे गन्ना का किया जाता है। तो आगे चलिए, ब्लॉग पे बने रहें। देखिए ये जो है खेत में जो है फंस गया है, देखिए फंस रहा है, पैर जो है फंसते जा रहा है खेत में। ये धान का खेत जो है ना सबसे दिक्कत वाली खेत होती है, जो कि आपको अगर पानी लग जाए तो पानी में जो है पैर फंसने का जो है बहुत ज़्यादा चांस आता है। चलो आगे चल कर जो है पैर धो लेना, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है मक्का का खेत, ये है मक्का का खेत, और साथ में आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं ये है मेरा खेत। यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्ना का खेत है, मेरा भी खेत में जो है गन्ना का खेत ही किया जाता है। आगे में आप देख सकते हैं गाछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल आने वाला है आगे की ओर। देखते हैं हम आ गए हैं गाछी के नज़दीक, और जो है थोड़ी देर में जो है हम गाछी पहुंचने वाले हैं। मेरा गाछी जो है बचपन में हम लोग जो है आम का सीजन आता था, तो यहाँ पे जो है हम लोग आम खाने आते थे आम तोड़ने के वजह से। तो आम जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आम का पेड़ जो यहाँ पे लगा रहता था, इस तरह से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आम का पेड़। यहाँ पे अधिकतर जो है आम का पेड़ ही है, कुछ ऐसा है जो अलग जो है डिफरेंट टाइप का जो है पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं तो अधिकतर जो है आम का पेड़ ही है। तो हम चलते हैं अपने गाछी में, यानी कि हम लोग आम भाषा में जो है ठेठी भाषा में हम लोग जो है गाछी बोलते हैं। तो चलिए, बगान जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में जो है बगान बोला जाता है, तो चलते हैं आम के बगान के पास, तो वहाँ पर आपको जो हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं आम के बगीचा में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं भांजा जो है पेड़ पे चढ़ रहा है, देख सकते हैं ऊपर में चढ़ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मस्ती करने के लिए जो है हम लोग बचपन में आया करते थे, नहीं चढ़ना है नहीं तो गिर गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे जो है खेलने के लिए आया करते थे बचपन में, जब हम इसके जैसा थे, इतना छोटा जब थे हम लोग यहाँ पे जो है भैया लोग के साथ जो है यहाँ पे खेलने आया करते थे आम के सीज़न में। जैसा कि अभी के सीज़न में जो है आम फलता था, तो जो हम लोग तोड़ने के लिए आते थे। वीडियो आने रहते। पानी में मत गिर जाना, अच्छी से पानी में मत गिरना, पैर धो लो, इसमें यार गिर जाएगा, पैर धो लो, चप्पल निकालो, पैर धो लो, चलो।
पीछे में यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत भवन है, उसी के बगल में जो है सरस्वती स्थान है, तो उसको भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे जो है पूजा होता है सरस्वती स्थान के अंदर, जो है मेला भी लगता है। तो सीजन के आने वक्त आपको जो है हम बताएंगे कि कैसे जो है मेला लगता है। और यहाँ पे जो है क्रिकेट यहाँ पे जो है खेला करते थे, लगभग एक साल डेढ़ साल पहले जो हम लोग खेला करते थे। अभी जो है सीजन खेलने का मन अभी नहीं करता, घर पर ही खेलते हैं भैया लोग के साथ। तो इस तरह से जो है ये है ग्राउंड, मेरे मालपुर का ग्राउंड ये है। तो यहाँ पे जो है हर एक लोग जो है बच्चा लोग जो यहाँ पे खेलने आया करता है। तो यहाँ पे मस्ती करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं छुप गया है। कहाँ छुपा है वो मैं यहाँ से जो है ढूंढ लूंगा। तो चलिए कहाँ छुपा है देख लीजिए, छुपा हुआ देखिए निकल गया। पहले जो था यहाँ पे मंदिर, इस जगह जो है पहले यहाँ पे मंदिर बना था, जो कि अब जो है यहाँ पे जो है मंदिर नया जो है बना हुआ है। पहले जो था पुराना, सबसे पुराना जो था यहाँ पे मंदिर बना हुआ था। तो अगर आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आपको जो है वीडियो पे बने रहें, और चीज़ आपको जो है हम दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं बगल में एक जो है पोखर है, तो इस तरह से जो है अगर सरस्वती स्थान में जो विसर्जन होता है इसी में जो विसर्जन किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए हैं यहाँ पर चापाकल पे, जो कि इसका जो है पैर गंदा हो गया था, तो ये जो है पैर तो जो है साफ करेगा। चलो चलाते हैं इनको छोड़ो। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हम जो है आपको दिखा दिए सरस्वती स्थान, और साथ में आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए। तो इस तरह से जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ब्लॉग पे बने रहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कमेंट साथ आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और चलिए वीडियो पर बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अपने क्रिकेट मैच में पहुंच गए हैं। अब देख सकते हैं के साथ आपको जो हम बताने वाले हैं जो यहां पे क्या होता था। ये जो है पूरी ट्रैक्टर ने कांड कर दिया, पूरी स्लोपिंग बना दिया, साथ ही साथ खड्डा भी बना दिया। तो आइए अब खड्डा किसको बोलते हैं साथ में बताते हैं। यहाँ पे जो है एक फीट गहरा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक फीट गहरा ट्रैक्टर ने कर दिया, और ये तो नदी बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक डुबकी मार सकते हैं, अगर एक डुबकी लगाना चाहते हैं आप लोग। तो अब देखिए इसमें लग जाएगा।
भैया ने कर रहे। चलिए आपको जो है हम घर में जाने के बाद जो आपको हम मिलते हैं और साथ में आपको हम बताते हैं कि कैसे जो है मैंने जो है घर से निकला था और साथ में जो है क्या क्या चीज़ आपको बताया, क्या इसका जो है बेनिफिट था। तो चलिए चलते हैं घर।